हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी में ये पैच वॉल एप्लीकेशन आपकी स्मार्ट टीवी फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद या फिर रीस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है डिफ़ॉल्ट में, तो इसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो आपको सबसे पहले अभी यहाँ पर स्मार्ट टीवी को रीस्टार्ट कर बताऊँगा। यहाँ पर स्मार्ट टीवी रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ही टीवी यहां पर रीस्टार्ट हो गई है तो यहां पर ये पैच वॉल का एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट में ओपन हो गया है। तो आपको पहले यहां पर होम स्क्रीन पर आना है, होम बटन आप प्रेस कीजिए रिमोट से, उसके बाद ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको डिसेबल करने के लिए आपको स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है। यहाँ पर सेटिंग में आते हैं, सेटिंग पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पैच वॉल यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेट पैच वॉल एज डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, तो ये इनेबल है, आप इसको डिसेबल कीजिए। यहाँ पर से सिंपल आप इसको टर्न ऑफ कीजिए। उसके बाद आप जब भी अपनी स्मार्ट टीवी को रीस्टार्ट करते हैं या फिर पावर ऑफ कर पावर ऑन करते हैं, तो ये एप्लीकेशन अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इजीली पैच वॉल एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।